अनगम पोल्ट्री एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं यूट्राइन ट्यूब्स के बारे में, कि यूट्राइन ट्यूब्स क्योंकि पार्ट वन में मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ से पहले जितना भी पोर्शन है मैं आपको पार्ट वन में बता चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा तो आप पार्ट वन हिस्टोलॉजिकल वीडियोज़ के जो फोल्डर बना हुआ है आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें से आप जितना भी आपको बताया गया स्टूडेंट्स आप उतना ही मार्क कर लें अपनी बुक पे। इसके अलावा आज हम बात कर लेते हैं यूट्राइन ट्यूब्स के बारे में, यूट्राइन ट्यूब्स पार्ट टू। तो आपने इसमें देखना है कि फ्लोपियन ट्यूब्स का आपको पता हो, इनको कहते हैं हम। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन है, म्यूकोजा, इसमें म्यूकोजा लेयर क्या होती है, इसमें म्यूकोजा के बारे में बताना है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है यूट्राइन ट्यूब में, ये आपने लाजमी देखना है। क्योंकि आपके जब भी एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं वो इस तरह के ही बनते हैं कि म्यूकोजा में क्या पाया जाता है। एपिथीलियम लाइनिंग होती है इसकी, वो भी देखनी है। सिक्रीटरी सेल्स का आपको पता हो, ट्यूबुलर फ्लूइड का पता हो, सिलिएटेड सेल्स का पता हो आपको, कैपेसिटेशन फैक्टर क्या होता है इनका पता होना चाहिए। लैमिना प्रॉपरिया में क्या पाया जाता है ये देखना है आपने। मस्कुलरिस में क्या पाया जाता है ये देखना है, और कौन से मसल्स पाए जाते हैं ये सारे के सारे आपने देखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस में आप सबसे पहले ये देखें यूट्रस के पोर्शन कितने हैं, बॉडी है, सर्वेक्स है, और इसके ये सारे वाल्स देखने हैं, आउटर वाल, इनर वाल, ये सारा का सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम भी आपने ड्रा करनी है। और स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से एमसीक्यूज अगर 10 में से कहा जाए तो कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसमें से 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ड्रा करना है। इसमें मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, ये एंडोमीट्रियम, ये सारा आपने खुद ही रीड करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रेटम, वेस्कुलर आई, ये आपको मोटी मोटी चीज़ें इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद ही इसमें से ढूंढनी है और ये करना है। इसमें से एपिथीलियम का आपको पता हो, सिंपल स्केमस एपिथीलियम, मेसोथीलियम होती है, ये आपके इस तरह के एमसीक्यूज बनते होते हैं। इसी तरह से इन लेयर्स की भी एपिथीलियम अपनी ही होती है, तो इसलिए आपने सारी की सारी खुद ही करनी है और ढूंढनी है इसमें से। और इसके अलावा आपने लाइनिंग एपिथीलियम यहाँ से देखनी है, सिक्रीटरी सेल्स का फंक्शन देखना है, सिलेटेड सेल्स का देखना है, लैमिना प्रॉपरिया देखना है इसका, यूटेराइन ग्लैंड्स एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स देख लेने हैं। ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है यहाँ से, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई यूट्रस की, तो वो आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी हिस्टोलॉजी करें तो हिस्टोलॉजी में आपसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसकी हिस्टोलॉजी के रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम बात करें तो ये भी रीड करने वाला पोर्शन है, ये ऐसा इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आपने इसमें देखने हिस्टोलॉजिकल पॉइंट, जिस तरह रीजनरेटिव फेज है इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, फोलिकुलर फेज है इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ये आपने देख लेना है। और ये भी देख लेना है कि इसमें पहले अगर एपिथीलियम कौन सी थी और बाद में इसमें कौन सी हो जाती है। सिक्रीटरी फेज का आपको पता होना चाहिए इसमें से, जिसमें ल्यूटल फेज कहते हैं इसको। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही मतलब इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये भी आपने ओव्यूलेशन देख लेना है इसमें से, और ये सारा का सारा रीड करने वाला है, इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है। इस्कीमिक फेज़ आपने देख लेनी है यहाँ से, और यूट्राइन सर्वैक्स देख लेना यहाँ से, सर्वाइकल कैनाल के बारे में पता हो, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस का पता होना चाहिए आपको, और एंडोसर्वाइकल म्यूकोजा का पता होना चाहिए। ये सारा पोर्शन जितना भी है ये जस्ट रीड करने वाला है, इसमें से आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाता। तो यहाँ तक हम पार्ट टू की बात कर लेते हैं। पार्ट टू अगर आप नेक्स्ट पोर्शन इसका देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप पार्ट थ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।